आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं अनुपया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, मैंने नाश्ता नुश्ता करके मैं रेडी हो गई हूँ और दुकान में जाना है मुझे, तो शाम के लिए थोड़ा सब्जी सब्जी निकाल देते हैं। अगर कुछ सब्जी लगी होगी तो निकाल देते हैं शाम के लिए। ये बैंगन लगा हुआ है, इसको हम निकाल देंगे और शाम को सब्जी बनाएंगे। इसमें छोटे छोटे भिंडी भी लगे हुए हैं, सबको आज मिक्स करके बनाऊंगी, बैंगन भिंडी, इसमें थोड़ा सा प्याज डालूंगी। और ये देखो यहाँ पे भी हमारा लेमेंडर की बेल है, बहुत अच्छी होती है इसकी सब्जी। और ये सब्जी जितने भी है ये सब बिना खाद के हैं, गाय के गोबर से। ये हमने हल्दी का पौधे लगा रखे हैं यहाँ पे, हल्दी की का खेत है। अच्छा, नीचे सासू जी ने मिर्च भी लगा रखे हैं। तो देखो चाची जी अब एक और चीज लेके आ गई यहाँ पे। क्या चाहिए? मस्किल, बांस की मस्किल। अच्छा, क्या करते हैं इसका? उसको उबाल के राग डाल के उसमें उबाल के, अच्छा, तो उसको छौंकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। अच्छा हाँ, इसका अचार ही बनाते हैं वो। अच्छा, हमें भी खिलाना। तो दिखाते हैं आपको कि चाची जी कैसे काट रही हैं इसको, कैसे काट के बनाते हैं। ये देखो गोल गोल, पहले इसको गोल गोल काटते हैं और फिर देखते हैं कैसे काटते हैं चाची जी। जिंड हुई। अच्छा, तो अंग्रेजी ई बन गई डिजाइनदार। सब्जी गर्म कुछ अलग बनाने से बस के लिए ये बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आप भी खाओगे तो एक बार खा के देखना इसको। ये बांस के पेड़ से के नीचे से निकलता है ये, तो है 100-200 रुपए किलो। अच्छा, जा रहे हैं। और ये देखो केले का बगीचा यहाँ पे, सासू जी और ने केला भी लगा रखा है। और देखो हमारा रास्ता, चलते चलते अब प्यास भी लग गई थोड़ी, तो पानी पीते हैं। ये हमारा बहुत ठंडा पानी चाचा जी और सिलेंडर लेके जा रहे थे, तो यहाँ पे रोड तो है नहीं, रोड क्या यहाँ पे रास्ता भी नहीं बचा हुआ है। ये एक दो दिन पहले ये बारिश आई थी ना, इसके कारण ऐसे टूट रखे हैं, ऊपर से सारा मलबा आ गया नीचे। ये सड़क आई थी ना यहाँ पे, तो सड़क तो कामयाब हुई नहीं, सारा मलबा नीचे आ गया। कहीं गिर ना जाऊँ, रास्ता तो इतना खराब हो रखा है, बहुत डर लग रहा है। हम तो
हम पहाड़ियों के लिए तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब आसान। तो हम पहुंच गए अपने पुल में, यहाँ पे पुल भी टूट गया है, इतना पानी आया कि पुल भी ठीक-ठाक हो गए। और ये देखो गदेरे में कितना पानी हो रखा है हमारी नदी में, ये देखो यहाँ पे मोटे मोटे पाइप भी रखे हुए हैं, ये अभी काम चल रहा है, यहाँ पे पाइपलाइन बिछेगी, ये पानी पूरा नीलकंठ जाएगा मंदिर में, वहाँ पे आसपास के गांव में पानी जाएगा सारा।